हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आज मैं अलाया के लिए ब्रोकली बना रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लूं ताकि आप सबको ये रेसिपी पता चल जाए। वेरी इजी, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल लव ब्रोकली और आप लोगों को बनानी भी आती होगी, बट मेरी जो रेसिपी है बहुत सिंपल है, जस्ट गार्लिक एंड ब्रोकली, एंड आई लव इट, इवन अलाया लव्स इट। और मैंने अपनी जिन जिन को खिलाई है, दे फॉलन इन लव विद ब्रोकली, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल लाइक ए ब्रोकली खा रही हो, बट गार्लिक की वजह से इतना मजे का हो जाता है ना ब्रोकली, एंड आई मीन आई लव इट, सो आई एम श्योर यू गोना लाइक इट टू। सो ऑल यू नीड इज गार्लिक। तो मैं इसको सिंपल मोटा मोटा इस तरह काट लूंगी, ठीक है? कोई पीसने वीसने की जरूरत नहीं है, लेट्स जस्ट गो वेरी बेसिक, वेरी इजी, जो जल्दी जल्दी चीज हो जाए। मैं ज्यादा गार्लिक डालती हूँ बिकॉज आई रियली लाइक द टेस्ट ऑफ गार्लिक। गार्लिक से एकदम टेस्ट ही चेंज हो जाता है ना हर चीज का। जो लोग खाना पकाना जानते हैं, जो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको पता होगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी। ये दूसरा गार्लिक क्लोव है जिसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। टोटली आपके ऊपर है कि आपको कितना करना है, कितनी ब्रोकली बनानी है। मैं एक ही दफा बना लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एक ही दफा ये खत्म हो जाती है। ओके, दैट्स इट। ये रहा हमारे पास गार्लिक, मैंने आराम से मोटा मोटा काटा है, ठीक है? अब क्या है कि मैं इसको क्या करूंगी, देयर वी गो गार्लिक इज इन दिस। मैं ब्रोकली कट करूंगी साइड में, जितने भी पत्ते वत्ते वो काट लें, अब आपकी मर्जी है। मैं इसको बड़ा बड़ा भी कर लेती हूँ कभी कभार, छोटा लाया को बड़ी मोहब्बत से खिलाती हूँ ना, लुक द बेबी वॉन्ट्स यू टू ईट इट, द बेबी ब्रोकली वॉन्ट्स यू टू ईट इट। बट जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो मैं इस तरह के मोटे मोटे यूं करके काट लेती हूँ, बट डजेंट रियली मैटर, जस्ट कट द वे यू लाइक इट एंड एक्सपेरिमेंट कर लें यार, हो जाता है हर चीज। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपने एक बड़ा लेना है, जितना छोटा काटना है। थोड़ा सा स्टेम में रहन देती हूँ तब तो चलता है, ठीक है जी। ये ब्रोकली होगी, इससे छोटी मुझे नहीं करनी। ऑल आई नीड इज सम तेल, ठीक है? थोड़ा सा ये पैन गर्म हो जाए, मैं इसमें सिर्फ तेल डालूंगी। यूजली मैं देसी घी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मेरा देसी घी ख़त्म हो गया, मैं देसी घी खुद बनाती हूँ। एक दिन मैं होपफुली टाइम मिला तो मैं आप लोगों को बना के भी दिखाऊंगी। आई नो यू गाइस आर लाइक व्हाट, ये देसी घी खुद बनाती है? यस यस, मैं खुद बनाती हूँ देसी घी। आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तेल, बट दैट्स फाइन, दैट्स नॉट दैट बैड। ओके, तो सबसे पहले हम डालेंगे गार्लिक, ठीक है? कम थोड़ी सी ये लाल हो जाए गार्लिक, दिख नहीं रहा क्या करूं। ओके जी, थोड़ा सा लाल हो जाए ये रहा गार्लिक सारा हमारा, बल्कि लाल होने का भी वेट करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा होने दे, थोड़ा सा कुक होने दे, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। दैट्स व्हेन यू पुट द ब्रोकली एंड दैट्स इट। तो आप घुमाएं थोड़ा सा ताकि वो अच्छे से। सी, मैंने बिल्कुल भी ऑयल और नहीं डाली, दिस इज इनफ बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड कि वो गार्लिक थोड़ा पक जाए हल्की आंच पे। अब मैं इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। दस गुड नाफ, नो नमक, नो काली मिर्च, नो वाइट पेपर, ऑल वी नीड इज अ ढक्कन। ओके, दैट्स इट, लेट इट सिट फॉर अबाउट 2 to 3 minutes, फ्लेम एक्सट्रीमली स्लो ताकि वो जल ना जाए ब्रोकली नीचे से। और अगर कभी आपको कुछ लोग, जैसे मेरी अम्मी के घर का चूल्हा बहुत तेज है, राइट, तो उसमें मेरी ब्रोकली तो बहुत जल्दी वो हो जाती है ना, पक नहीं पाती जिस तरह मैं चाहती हूँ, तो मैं उसमें फिर पानी डाल देती हूँ। अगर आप लोग के चूल्हे तेज है तो आप जरा सा उसमें पानी डाल के कम करें ताकि वो हो जाए। अच्छा, वी रियली डोंट वॉन्ट टू ओवर कुक द ब्रोकली, ओके, इट नीड्स टू बी नाइस एंड फ्रेश, नॉट सॉगी एंड डेड, और सारे उसके वाइटमिन और सब वो ड्रेन हो जाए, हम ये भी नहीं चाहते, राइट? तो हम इसको बिल्कुल इस तरह रखेंगे कि ये थोड़ा सा क्रंची भी हो और कुक्ड भी हो, बीच का हो, क्रंची तो नहीं होगा लेकिन अच्छा फ्रेश सा, यू नो, या आई थिंक यू नो व्हाट आई मीन। सो जब तक हमारी ब्रोकली बन रही है तो हम लोग को किचन साफ करना चाहिए। ये मैंने अपने मियाँ से सीखा है बिकॉज यू नो किसान जब भी किचन में आता है
तो अगर वो कभी मेरे लिए ना ब्रेकफास्ट बना रहे हो अपने लिए, मैं सो रही हूँ, तो साथ साथ ब्रेकफास्ट भी बनना होता है और साथ साथ ना साथ साथ सफाई भी हो रही थी। मुझसे ये चीज़ नहीं होती, मुझे होता है कि भाई पहले तो खाना बन जाए फिर सफाई करेंगे। तो वो वाला टाइम आ गया कि मेरा खाना ऑलमोस्ट तैयार होने जा रहा है और हम सफाई कर रहे हैं। ऑलराइट जी, द ब्रोकली इज ऑलमोस्ट डन। देखें 2-3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, चले 4 मिनट ही सही। ऑलराइट, वो डन। मुझे हमेशा ये डर लगता है कि मैं ज्यादा ओवर कुक ना कर दूं, बिकॉज जब आप उसको ज्यादा पकाते हैं तो फिर वो बिल्कुल नरम हो जाती है और हम आई थिंक बिल्कुल ऑन पॉइंट है, ना कच्ची ना ज्यादा पक्की। आई थिंक दिस इज द टाइम कि हमें इस ब्रोकली को निकाल लेना चाहिए और ट्राई भी कर लेना चाहिए कि कैसी है। परफेक्ट, अमेजिंग। ओके, दैट्स इट, वी डन। गार्लिक ज्यादा डालेंगे तो ब्रोकली मजे की लगेगी, गार्लिक कम डालेंगे तो मजा नहीं आएगा। और बाकी आपको ऊपर से कुछ डालने की जरूरत नहीं है, जितना नमक से बचें उतना अच्छा है, राइट? और डाइट के लिए भी अच्छा है ब्रोकली, हेल्थ के लिए भी अच्छी है ब्रोकली। क्लियर सूप्स बनाया करें और उसमें ब्रोकली डाल दिया करें तो बहुत मजे का हो जाता है। नवी डन, थोड़ा सा रह गया, मैं बाद में निकालूंगी आपको दिखाने के लिए। दिस इज लुक, इट्स डन। ट्राई इट एंड टेल मी कि आपके बच्चों को कैसी लगी और आपको कैसी लगी। द होल थिंग इज गार्लिक भाई, गार्लिक सबसे इंपॉर्टेंट है, गार्लिक मिस ना करें। इसके साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। खुदा हाफिज़।